हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आई हैड टोल्ड यू अबाउट द नरेशन। आई हैड टोल्ड यू इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, there will be no any changes can be done in the tense of reported speech. But today I am going to teach you if the reporting verb is in the past tense, there are following changes can be done in the tense of reported speech. Students, हम यहाँ आज देखेंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेज में किस तरह के चेंजिंग किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, यहां देखेंगे इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस हाउ वी कैन चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। स्टूडेंट्स, हम यहां देखेंगे यदि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है, पास्ट टेंस जब वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के जो वर्ब्स होंगे, जो टेंसेज होंगे, उनमें किस तरह के परिवर्तन किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल्स यहां हम देखेंगे इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, यहां देखेंगे स्टूडेंट्स इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में होगा तो हम इसे क्या करेंगे, इसे हम कर देंगे चेंज इनटू पास्ट इनडेफिनेट टेंस। सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स, आइए हम यहां कुछ उदाहरण देखते हैं। यहां एग्जांपल्स यहां देखेंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में होगा तो हम रिपोर्टेड स्पीच को क्या कर सकते हैं, पास्ट इनडेफिनेट टेंस में चेंज कर सकते हैं। कैसे, यहां राम said to me he reads the book। स्टूडेंट यहां देखेंगे यहां लिखा है राम said to me he reads the book, यहां said आपका past है, इसे हम indirect में जब change करेंगे तो ये आपका हो जाएगा राम साइड को मैंने बताया था कि इसमें चेंज करेंगे, इसमें हम टोल्ड में, राम टोल्ड मी दैट, ये आपका ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन कभी नहीं बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन जब भी आएगा तो रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन जो होगा उसको हम कभी भी चेंज नहीं करेंगे। दैट
He read the book. आप देखेंगे read का third part read 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 लिखा वैसे ही जाता है but pronunciation में difference होता है, अंतर होता है. Read 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 होता है. Ram told me that he read the book. एक और एग्जाम्पल हम यहां देखते हैं. यहां he said to her I see the television. यहां देखेंगे he said to her. यहां आपका said past है. Past यहीं से पहचान होता है. ये said आपका past है. मैंने बताया था कि से सेज और said को tell, tells और told में तब बदला जाता है. ये उसके बाद object हो तो या said to. ये पहचान ये भी होता है कि यदि said to होगा, says to होगा और said to होगा तब हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे. या हम करेंगे इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा he told her that. ये आपका फर्स्ट पर्सन है I. I को हम ही के अनुसार बदलेंगे तो यहाँ ही हो जाएगा. ये आपका C है तो C को हम बदलेंगे, C का सेकंड फॉर्म शाह हो जाएगा. He saw the television. स्टूडेंट्स इसके बाद हम देखेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा तो क्या करेंगे, हम इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिया हुआ है तो हम इसे जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करेंगे. यहां एग्जांपल्स हम देखेंगे. यहां आई सेड टू हिम राम इज डांसिंग ऑन द स्टेज. स्टूडेंट यहां देखेंगे आई सेड टू हिम, इसे जब इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा आई टोल्ड हिम दैट राम. ये आपका प्रॉपर नाउन है. प्रॉपर नाउन में भी ये आपका नाम दिया हुआ है. अप्रॉपर नाउन व्यक्ति का ही नाम होता है, किसी वस्तु का नाम होता है, किसी स्थान का नाम होता है. तो प्रॉपर नाउन कभी भी कहीं भी हम रखेंगे तो ज्यों का त्यों जैसे है वैसे ही हम रख देंगे इसे. और मैंने ये भी बताया था कि थर्ड पर्सन नहीं बदलता, थर्ड पर्सन में सभी प्रकार के नाउन्स आते हैं. यहां हम करेंगे जैसे आई टोल्ड हिम दैट राम इज है, इज हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस को शो कर रहा दिखा रहा है तो हम इसको क्या कर देंगे, वाज कर देंगे. राम वाज डांसिंग ऑन द स्टेज. एक और एग्जांपल से यहां देखेंगे हम. सी said to me I am going to look the star. स्टूडेंट यहां हम देखेंगे इसको जब हम चेंज करेंगे डायरेक्ट में
इनडायरेक्ट में आपका ये हो जाएगा सी टोल्ड मी दैट आई फर्स्ट पर्सन है, इसको हम बोलेंगे सी के अनुसार, तो ये हो जाएगा, ये भी सी हो जाएगा, सी वाज गोइंग टू लुक द स्टार। इसके बाद हम देखेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट नरेशन में यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है तो क्या किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हैज और हैव। हैज और हैव को हम क्या कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट में जब इसे चेंज करेंगे तो हम हैज और हैव की जगह पे हैड लगा देंगे। यहां एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे आई सेड टू माई फादर यू हैव नॉट गॉन टू ऑफिस। यहां देखेंगे स्टूडेंट्स, यहां लिखा आई सेड टू माई फादर यू हैव नॉट गॉन टू ऑफिस। हम इसे जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आई टोल्ड माई फादर दैट, ये यू आपका कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, ये यू आपका सेकंड पर्सन है। तो मैंने बताया था यू को हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट आपका माय फादर है, माय फादर है अर्थात ये क्या है, फादर, ये आपका कॉमन नाउन है और माय फादर दिया हुआ है, इसके अनुसार इसको हम चेंज करेंगे तो यहां हो जाएगा क्या, ही हो जाएगा। आई टोल्ड माय फादर दैट ही हैव है, तो हैव के जगह हम क्या कर देंगे, हैड कर देंगे, ही हैड नॉट गॉन टू। एक और एग्जांपल देखते हैं, माय फ्रेंड सेड टू हिम सी हैज नॉट completed the work। इसे हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो ये हो जाएगा my friend told him that, ये आपका सी थर्ड पर्सन, she had not completed the work, same जैसे वैसे ही क्या कर देंगे, आगे लिख देंगे। नेक्स्ट, इसके बाद क्या होता है, यदि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रिपोर्टेड स्पीच में यदि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आया हो तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां देखेंगे, ध्यान देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट
continuous tense. Let us see some examples. स्टूडेंट्स यहां कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. यहां यू सेड टू देम, यू हैव बीन डूइंग योर work for 5 years. Students, यहां देखते हैं you said to him you have been doing your work for 5 years. ये आपका you have been doing your work for 5 years, ये आपका present perfect continuous tense है. इस present perfect continuous tense को हम change करेंगे किसमें? Past perfect कॉन्टिन्यूअस टेंस में. हम इसे क्या करेंगे? चेंज करेंगे. जब इसका इनडायरेक्ट बनाया जाएगा तो हो जाएगा यू टोल्ड देम दैट. अब यहां आपका यू, यू आपका सेकंड पर्सन है. यू को हम किसके अनुसार? देम के अनुसार चेंज करेंगे. तो जब देम के अनुसार चेंज करेंगे तो यू हमारा सब्जेक्ट के जगह पर था, तो यू सिंगुलर में आर प्लूरल में. इसे हम यू को सिंगुलर में यूज करें या प्लूरल में, वह सिर्फ यू ही होता है. तो यू को यहां क्या करेंगे? यहां देम के अनुसार लेंगे तो ये प्लूरल होगा. तो देम के अनुसार जब इसे चेंज करेंगे, यू हमारा सब्जेक्ट के जगह है, तो देम के जगह क्या हो जाएगा? यहां पे दे हो जाएगा. दे हैड बीन डूइंग देयर work for 5 years. एक और एग्जांपल्स देखते हैं यहां पे. एक और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम. Mother said to me, "You have not been going to school." स्टूडेंट यहां देखेंगे मदर सेड टू मी यू हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे. इसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा मदर टोल्ड मी दैट. यहां आपका यू लगा हुआ, यू को ये आपका सेकंड पर्सन है. स्टूडेंट्स यहां ध्यान देंगे यू सेकंड पर्सन है, इसे हम चेंज करेंगे किसके अनुसार? मी के अनुसार चेंज करेंगे. मी के अनुसार जब इसे चेंज किया जाएगा तो यहां यू है, यू के जगह पर हो जाएगा आपका आई हो जाएगा. आई हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल मंडे. स्टूडेंट्स हम यहां देखेंगे नरेशन. यहां नरेशन में आपको बताया गया प्रेजेंट टेंस को, अर्थात प्रेजेंट के चारों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यदि रिपोर्टेड स्पीच में हम चेंज करते हैं तो किस में चेंज किया जाएगा? स्टूडेंट्स ये मैंने बता दिया शेष पास्ट का, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा. स्टूडेंट्स आई होप यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इट डीपली.
फॉर योर नॉलेज. थैंक यू.